जैसा आप देख पा रहे हैं, हम लोग की साइकिल यात्रा का समापन सेक्टर 81 में हो रहा है। हम लोगों ने सेक्टर 76, सेक्टर 81, सेक्टर 86 और कई सेक्टर का भ्रमण किया और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए संदेश दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वारिस भाई से, बात करते हैं इतना सुबह इससे पहले कब उठे थे और कितने दिन बाद इतना सुबह उठे? वैसे तो डेली लेट ही हो जाता है, बस संडे को टाइम मिलता है, संडे को या सुबह उठे, अगर थके रहते हैं तो लेट से उठना काफी, वैसे बहुत दिनों बाद सुबह उठने को अटाउल भाई की वजह से सुबह उठने को मिला है। लेकिन सुबह उठ कर बहुत अच्छा लगा, ताजी ताजी हवा मिली, शुद्ध बिल्कुल, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सुबह उठने से आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, हर काम को आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। जिस दिन आप नहीं उठते हैं, सुबह लेट से उठते हैं, तो दिन भर आलस लगा रहता है, जो आपका रूटीन का काम होता है उसे ही करने में आपको बहुत जैसे तकलीफ होती है कि आज काम कैसे किया जाएगा। लेकिन इसी के विपरीत आप पहले उठ जाते हैं तो आप फ्रेश महसूस करते हैं, तरोताजा महसूस करते हैं और हर काम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खास तौर से जो जॉब वाले हैं, तो जॉब में होता क्या है, लेट रात तक वो सोते हैं, सुबह लेट से उठते हैं और उठने के बाद फ्रेश होके तैयार होके नाश्ता पानी करके सीधे ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से आने के बाद फिर वो लेट से ही घर पे आते हैं। तो उनको लगता है कि लाइफ बड़ी छोटी है, जिंदगी उनकी बड़ी छोटी है। तो वहीं हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक दिन आप सूर्योदय से पहले उठिए और आधे घंटे का एक घंटे का योग व्यायाम करिए, शरीर से पसीना बहाइए। उस दिन आपको लगेगा कि हमने योग व्यायाम करके अपने शरीर पे भी कुछ समय दिया है, अपने परिवार पे भी कुछ समय दिया है और साथ ही साथ जो डेली रूटीन का कार्य हमारा है उसको भी हमने बखूबी किया है। तो आपको उस दिन नहीं लगेगा कि जिंदगी आपकी छोटी है, तो आपको लगेगा कि जिंदगी बड़ी है और हम जो है अपने शरीर के लिए समय दे पा रहे हैं, परिवार के लिए समय दे पा रहे हैं और आजीविका के लिए अपने काम पे भी ध्यान दे पा रहे हैं। तो बात करते हैं अतुल कुमार से। अतुल कुमार भी हमारे हिसाब से 6-7 किलोमीटर साइकिल यात्रा किए हुए हैं। तो इतना 6-7 किलोमीटर साइकिल यात्रा आप कितने दिन बाद किए हैं? लगभग 7-8 साल पहले मैंने मतलब चलाया साइकिल और आज चलाया तो बहुत कम मुझे महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और सुबह का वातावरण भी बहुत अच्छा लगा, इससे हमारी शरीर बहुत जल्दी। आपके हाथ पैर में दर्द तो नहीं हो रहा है? हाँ, बात करते हैं वकील अहमद से, बात करते हैं। वकील अहमद तो डेली 8-10 किलोमीटर की साइकिल यात्रा डेली करते हैं, इनको तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो पसीना आपको हुआ कि नहीं हुआ? पसीना नहीं हुआ? अरे जब 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 घर से अपने ऑफिस आते हैं तो पसीना होता है कि नहीं? हाँ, जैसे धूप में चलता हूँ तो होता है पसीना। अच्छा, लेकिन अभी सुबह नहीं हुआ? सुबह नहीं हुआ। ये डेली के रूटीन में अभ्यास में वो ताकत है कि आपको फिजिकली मेंटली इतना स्ट्रांग कर देता है कि आपको थकने नहीं देता। तो बात करते हैं मुस्लिम चाचा से, बात करते हैं। ये हम लोगों के साथ गए थे, तो मुस्लिम चाचा से आपने नोएडा के आसपास का भ्रमण किया, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। जो आपको बराबर हो जाए तो कहाँ हो जाए और कुर्ती पंद्रह पैदा हो जाए, चलने फिरने में अच्छा ही हो। चाहे थे छोटे भाई महमूद आलम से, ये भी इत्तेफाक की बात है कि हम भी नोएडा आए, ये भी नोएडा आए, तो हम लोगों में विचार हुआ कि क्यों ना संडे है एक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा निकाला जाए, तो हम लोगों ने आसपास का भ्रमण किया। तो बात करते हैं महमूद आलम से। हमारे नए मेंबर लोग जुड़े हैं उनका भी स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा लगा है हमारा चला रहे साइकिल क्लब, ये रुका नहीं है और न आंधी से न पानी से और न हम लोग कहीं भी रहे, न कभी रुका था और न रुकेगा। और बहुत सही, आज हम लोग नोएडा में आए अपने घर के करीब 700 किलोमीटर दूर और हमारे भाई लोगों ने काफी हम लोग का साथ दिया है। सुबह सुबह ये हम लोग का जो जागरूकता रैली था वो कंटिन्यू चल ही रहा है। तो आप लोग भी जहाँ भी रहें, ये नहीं कि हमारे साथ भदोही में ही हुए, आप चाहे जहाँ रहें अपने घर पे रहें, अपने कहीं भी रहें, वहाँ आप लोग स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाइए, पैदल चलिए, योग करिए, व्यायाम करिए, कुछ भी करिए लेकिन करते रहिए। बस यही कहेंगे, सुबह उठिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए फ्रेंड, यहीं से अपनी साइकिल यात्रा का समापन करते हैं, फिर मिलेंगे नई सोच, नई खोज, नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।